एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 6:45 एंड हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और फिर जयपुर। एक हफ्ते की ट्रिप होने वाली है। दिल्ली में मेरी बहन रहती है एंड जयपुर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट उल्लास इज़ गोइंग टू कम टू माई हाउस आफ्टर वी गॉट मैरिड। वी आर सुपर एक्साइटेड। अभी कुछ खाते पीते हैं जल्दी से एंड फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। राष्ट्रपति भवन, पता नहीं बहुत सारे प्लान्स हैं। हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं एंड बस नीचे जा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी डू थ्रू आउट द डे एंड यू गाइस कम अलोंग। चले उस तरफ, वो दिखाएं। अकेले मोमोज और पालक चाट और सब कुछ उसने अकेले खाया। ये भी अकेले खाने जा रहे हैं। अकेले नहीं खाया, सबने खाया। तुम भूखे थे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था फोटो खींचने। अकेले खा लिया और फिर हमको बुलाया, बोल दिया तुमने वीडियो नहीं लिया। एक कैसा है रिव्यू? अच्छा है। जयपुर वाला टाइप करती हूँ। जयपुर वाला नहीं, जयपुर वाला भी जाके खाएंगे। करीब ये बहुत फेमस है अपैर डी कॉल्स कोल्ड कॉफी एम ब्लॉक मार्केट। कितना हो गया डी कॉल्स में? हमारा बहुत बड़ा पोपट हो गया क्योंकि उसने पेटीएम नहीं लिया और हमारे पास किसी के भी पास 80 रुपये कैश नहीं रखे। कोई नहीं रखता क्योंकि आजकल सब लोग सब कुछ ऑनलाइन है। मेरी कोल्ड कॉफ़ी का रिव्यू रह गया लेकिन अपेरेंटली बहुत अच्छी होती है, पता नहीं क्या यार। एटीएम भी नहीं आया। अब आए राष्ट्रपति भवन, यहाँ पे फ्लावर शो होता है हर विंटर में वो देखने के लिए। एंड अभी कुछ लास्ट वीकेंड है आई थिंक जब यहाँ पे ये होगा, इसके बाद बंद हो जाएगा क्योंकि ऑफकोर्स फुल ब्लूम ऑफ फ्लावर्स हैपन्स ओनली इन द विंटर्स। तो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। अ पार्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स को खोल देते हैं वो फॉर टूरिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करके स्लॉट लेके जाना पड़ता है। कोई प्राइस नहीं है लेकिन बस स्लॉट बुकिंग करनी पड़ती है। अभी हम आ जा रहे हैं, चल चल के बहुत ज़्यादा भीड़ है। अंदर चल के दिखाती हूँ क्या क्या है वहाँ पे। सुपर एक्साइटेड फॉर इट, पहली बार जा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी हम हर्बल गार्डन में हैं। यहाँ पे सेटिंग सेटअप इतना अच्छा है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बीच बीच में सब जगह इन्होंने जो भी प्लांट्स लगाए हैं, आप अगर ये QR कोड स्कैन करोगे तो आपको उस प्लांट का नाम सब कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में। तो कोई बड़े बड़े बोर्ड या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं रखी इन्होंने। तो ये हर्बल गार्डन के बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, बहुत सारे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, बोटैनिकल गार्डन, हर्बल गार्डन, बॉन्जाई गार्डन,
अभी तो बस हमने हर्बल से स्टार्ट किया, उसके बाद देखते हैं। तो बड़े बड़े बैनियन ट्रीज भी हैं। राष्ट्रपति भवन, फिर एक मैंने इसको बोला खींचने के लिए कि रियलिटी दिखा के आए कितने लोगों के बीच में। अभी तो वो ऐसे ऐसे करके भी फोटो खींचा रहे थे लोग, राष्ट्रपति भवन में जो ताजमहल में खींचानी चाहिए। एक लड़के ने पूछा भी अपनी गर्लफ्रेंड से कि तुम्हें पता है ये क्या है, तो बोलते हैं हाँ प्राइम मिनिस्टर का घर, मोदी जी यहाँ रहते हैं। तो मोदी जी यहाँ नहीं रहते, द्रौपदी मुर्मू रहते हैं। तो वो कौन है? मतलब ऐसे लोग आए थे, ऐसे भी लोग आए थे, तो सब टाइप का क्राउड होगा इतने 22,000 लोग में, सब सबको सब पता होना जरूरी नहीं। पर एक है कि उनको अंदर थोड़ा पानी वानी का इंतजाम, इन तरफ फूड कोर्ट ना जगह जगह पानी पीने का रखना चाहिए। नहीं वो हाँ पानी पीने का रखना चाहिए था, लेकिन वो कचरा कर देते हैं ना लोग, और पानी की बोतल अलाउ करते तो उसमें शराबे भर के ले जाते। पानी की बोतल अलाउ करी थी? नहीं करते तो नहीं, करी भी थी नहीं, लोग छुपा के लाए, लोगों ने खाना भी कुछ छुपा के लेके आए थे, बिस्किट बिस्किट सब खा रहे थे और अंदर पूरा कचरा फैला रहे। मे बी इनको एक एक घंटे के स्लॉट में ना इतने ही नंबर ऑफ लोगों को भेजना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए। प्लान तो वही था इनका, पर मुझे ये नहीं हो जाता कि अपना सुखी सुख मन से वो सारे फूल भी नहीं देख पाए थे ना, धक्का मुक्की हो रही थी कि। और वो आया फ्रेग्रेंट रोजेस वाला सेक्शन, मैं ऐसे सूंघ रही हूँ सिर्फ लोगों के पसीने की बदबू आ रही, कोई रोजेस की खुशबू नहीं आई मेरे को। वो इरिगेशन वाटर का भी था, वेस्ट वाटर था तो अच्छा था, लेकिन एक बार तो आना चाहिए राष्ट्रपति भवन देखने के लिए आना चाहिए। तो अभी वही था, दो तीन सर्किट है, ये बाहर का ये गार्डन का सर्किट है, ये बस अभी एक महीने रहता है, घर के अंदर वो सब वो पूरे साल रहते हैं, उसको भी ऑनलाइन बुक करो, घूम सकते हैं वो जो अंदर से आ रहे थे विजिटर्स पास पहन के। Chill, which is one of the most famous eateries in Delhi. It is very famous for its Italian food. So, khayenge aur chill karenge. Chalo. Wo wahan se jaake dekh rahe hai, mere ko haste hue ja rahe hai. Aa gaya? Haan. Kar liya is par.